सिंह जी बड़े प्यार से कहना धन्यवाद जी। सा सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल निरंकारी सोम पर। सा सिंह जी आज दास सतगुरु के विचार श्रवण कर रहा था श्रद्धा और विश्वास पे। सा सिंह जी श्रद्धा और विश्वास एक भगत के ऐसे दो पंख हैं जिस प्रकार चिड़िया के दो पंख होते हैं उड़ान के लिए। तो सा सिंह सतगुरु ने समझाया कि हमारी श्रद्धा कब बनती है जब इस प्रभु परमात्मा को निरंकार को जान लेते हैं, फिर इस पे श्रद्धा और विश्वास हमारा बनता जाता है। तो सा सिंह उन्होंने कहा कि यहाँ श्रद्धा की बात उस श्रद्धा की हो रही है जो इस निरंकार पर प्रभु परमात्मा पर होती है। संसार में श्रद्धा किसी चीज पर भी हो सकती है, किसी श्रद्धा किसी को नीचे गिराने में लगन होना एक बहुत ज़्यादा दिन रात उसके लिए मेहनत करना, दूसरे को नीचा गिराने के लिए ऐसी शासन लगन ऐसी श्रद्धा होना शासन कोई फायदेमंद नहीं, वो कभी लाभदायक नहीं हुई। तो अशासन श्रद्धा केवल ऐसी श्रद्धा हो जो इस निरंकार पर हो प्रभु परमात्मा पर हो। और सत्संगत इसके साथ साथ सतगुरु ने विश्वास के बारे में भी बताया समझाया कि एक विश्वास होना महापुरुषों का दुनिया का विश्वास इन संतों पर, कि जिस प्रकार एक संत महात्मा स्टेज पर बैठे हैं तो संगत का सभी संसार का ये विश्वास कि ये जो बोल रहे हैं इनका वैसा ही जीवन भी है। जो एक सेवा दल की वर्दी पहनकर महात्मा कहीं ड्यूटी पर खड़ा है तो सारी संगत का विश्वास कि ये सेवा दल का महात्मा है, ये हमें सही रास्ता बताएगा, हमारे लिए अच्छा ही करेगा। तो शासन संतों पर हमेशा दुनिया वालों का विश्वास रहा है, तो ये विश्वास कभी हमने डगमगाने नहीं देना, कभी टूटने नहीं देना। और इसके साथ साथ कहा भी है कि संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। तो ऐसे शासन संतों की हमेशा इस संसार में जरूरत रही है। सतगुरु ने समझाया कि इन संतों की वजह से ही सत्संगत ये संसार में अच्छाई पनप रही है, और ये जो संत हैं ये सबके भले की कामना करते हैं, सबके लिए अच्छा मांगते हैं, ऐसा विश्वास भी हम सभी का और संतों का भी विश्वास। और शासन सतगुरु पर विश्वास होना, इस निरंकार पर विश्वास होना भी बहुत जरूरी, शासन विश्वास वालों के ही बेड़े पार होते हैं। सतगुरु ने यह भी कहा कि कैसी भी स्थिति आ जाए तो भगत कभी डगमगाता नहीं है। दुनिया वाले कहें कि आप तो निरंकारी होकर आपके साथ ऐसी कोई बात हो गई, लेकिन शासन तो वो कभी किसी भी परिस्थिति में अपने आप को डावाडोल नहीं करता, अडिग रखता है इस निरंकार के साथ, इस प्रभु के साथ, सतगुरु के साथ अपने आप को जोड़ के रखता है। कभी शासन कोई चीज उसे डोलायमान नहीं कर सकती क्योंकि उसका विश्वास। शासन जी सतगुरु ने चरणामत के बारे में स्पेशल समझाया बताया कि अगर चरणामत विश्वास के साथ ले रहे हैं सत्संगत तो चरणामत की महत्ता है। चरणामत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है संतों के लिए और लाभदायक भी है, लेकिन अगर विश्वास नहीं है तो फिर ये एक प्रकार से जल ही है, चरणामत का रूप नहीं है। तो शासन विश्वास वालों के ही बेड़े पार है, ये सतगुरु ने स्पष्ट कर दिया। तो आओ शासन हमारा विश्वास हमारा यकीदा हमेशा सतगुरु के चरणों में इस निरंकार के ऊपर बना रहे। जो इस सत्संगत नंकार की जो ये लगता कराई सत्संगत, इसको हर समय अपने पास देखकर इससे बातें करते हुए सतगुरु का सहारा लेते हुए हमें सत्संगत जीवन यापन करना है। तो आओ सत्संगत ये श्रद्धा और ये विश्वास दोनों हमारे दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ते चले जाएं और इनमें तरक्की होती रहे। सत्संगत जी जिस प्रकार एक संत महात्मा दूसरे संत महात्मा के लिए अरदास करते हैं, तो दास भी आप सभी संत महात्माओं के लिए यही सतगुरु से अरदास करता है, बेनती करता है कि सतगुरु आप कृपा करो, आप दयावान हो,
आप हमारा विश्वास और ये श्रद्धा खुद ही बढ़ाओ, इसमें तरक्की करो और हर प्रकार से सुख सुविधा प्रदान करते हुए हमें एक ऐसा जीवन जो आप चाहते हो वैसा जीवन जी पाए। कोई सासंगत ऐसे उंगली करके ना कहे कि ये एक नंकारी महापुरुष होकर क्या कर रहा है। तो आओ सासंगत, जो दुनिया की श्रद्धा हम महापुरुषों पर बनी हुई है, संतों पर बनी हुई है, वो श्रद्धा सासंगत बढ़ती चली जाए और हमारी जो श्रद्धा इस नंकार पर प्रभु पर है ये भी बढ़ती चली जाए सासंगत। हमारा विश्वास भी कभी डावाडोल ना हो, चाहे कैसी भी हो स्थिति, एक जैसी हो मनोस्थिति सासंगत। हमारे मनों की स्थिति वैसी ही हो जैसे एक आम समय में होती है, किसी ऐसे समय में भी जिस समय कोई ऐसा जिसे विपता का समय कहा गया है सासंगत, उसमें भी कभी संत घबराता नहीं, वो सासंगत अडिग इसके साथ लगा रहता है, क्योंकि उसे पता है, वो जानता है कि ये जो मेरे लिए करेगा ये सही करेगा, जो ये मुझे देगा ये सही देगा। तो आओ सासंगत, ऐसा विश्वास यकीदा हमारा बना रहे इस पर, और सासंगत हमारा हमेशा यही ध्यान रहे कि हम सतगुरु के कहे वचनों को मानते चले जाएं, सेवा सिमरन और सत्संग का सहारा लेते रहें और अपना विश्वास सतगुरु से मांगते रहें कि हमारे विश्वास में वृद्धि होती रहे, हमारे श्रद्धा के भाव ये भी दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ते रहें। तो आओ सत्संगत, अंत में दास आप सभी महात्माओं से अरदास करेगा, बेनती करेगा कि सत्संगत ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको विचार अच्छे लगें तो अन्य महात्माओं तक ज़रूर शेयर करें, ताकि सत्संगत अन्य महात्माओं को भी विचार सुनकर अच्छा लगे और सत्संगत कोई ऐसी बात दास के मुख से निकल गई हो, आप जी को अच्छी ना लगी हो, आप जी की शान के खिलाफ हो, तो दास को बच्चा समझकर माफ़ कर देंगे, क्षमा कर देंगे। और सत्संगत कोई बात अच्छी लगे तो मेरे ये गुरु की कृपा है, ये सतगुरु की कृपा है सत्संगत, वो आपके लिए भी कल्याणकारी हो, दास के लिए भी मंगलमयी हो। और सत्संगत हमेशा दास आप सभी संत महात्माओं से आशीर्वाद लेता रहे, आपसे यूं ही हमेशा दर्शन आपके करता रहे। सत्संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना धन्यवाद।